जबलपुर की साइबर टिंगो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फरार इनामी आरोपी शुभम बाघरिया कंचनार सिटी में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस कंचनार सिटी पहुंची और पूछताछ करते हुए शुभम बाघरिया को पकड़कर थाने ला रही थी। तभी शुभम बाघरिया ने छिपा कर रखी हुई अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। साइबर टीम तत्काल घायल शुभम बाघरिया को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंची और तुरंत उसे भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। न्यूज़ लाइव एमपी के लिए जबलपुर से सुमित शर्मा की रिपोर्ट। शुभम बागड़ी उम्र 25 वर्ष थाना हनुमानताल से 354D 78 पॉक्सको एक्ट के अपराध में फरार थे, जिस पर मेरे द्वारा इन पर 3000 का इनाम उद्घोषित किया गया था। इनके पूर्व में भी 4 अन्य अपराध मारपीट हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के थे, तो इन ये फरार थे। तो आईजी ऑफिस में साइबर सेल में पदस्थ 5 जो अपने कर्मचारी थे उनको इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी, तो इनकी लोकेशन विजयनगर थाना क्षेत्र में कहीं थी, जिसकी पतारसी करने हेतु ये 5 जो कर्मचारी हैं ये पतारसी के लिए निकले थे। वह इनको विजयनगर क्षेत्र से इनको पकड़ा था, तो जब ये गाड़ी में इनको लेके आ रहे थे तो जब इनसे जो पूछताछ हुई थी उसमें इन्होंने सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ हथियार की और सूचना बताई थी, जिसकी तस्दीक हेतु व और बल लेने हेतु जो ये टीम थी ये सिविल लाइन थाने की तरफ गई थी। तो जैसे ये सिविल लाइन थाने के बाहर और बल लेने हेतु अपनी जो आईजी ऑफिस की साइबर सेल के जो 5 कर्मचारी थे उनमें से एक दो जब जैसी गाड़ी से बाहर निकले वैसे ही जो शुभम बागड़ी हैं इन्होंने इनके पास जो पिस्टल थी उससे स्वयं को सिर में गोली मार ली। तत्काल इनको फिर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां ये अभी इलाजरत हैं।